अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक्सिस का एक और स्केल की कैलिब्रेशन, इसके कनेक्शन, उसके अंदर जो जो फंक्शन है, जैसा कि एक फंक्शन है अभी सेट पॉइंट का, अभी मैंने इसको 3 kg के ऊपर सेट किया हुआ है। जैसे ही 3 kg के ऊपर ये पहुंचेगा तो ये भीप देना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही 3 kg से नीचे आएगा तो ये भीप ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जैसे ही मैं दोबारा इसके ऊपर 3 kg तक लेके जाता हूँ, ये आप देख सकेंगे, ये 3 के ऊपर ये बीप देना शुरू हो गया है। उसके अलावा इसमें और बहुत सारे फंक्शन हैं, होल्ड का फंक्शन है, पीक होल्ड का फंक्शन है, पीसिस का है, और बहुत सारी ऑप्शन हैं। इन सब ऑप्शनों के मुताबिक आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा अभी हम इसको कंप्यूटर के ऊपर भी लेके रहेंगे, कंप्यूटर में ये डाटा किस तरीके से शो करता है और कंप्यूटर में कनेक्ट करने की क्या क्या सेटिंग है, इन सारी उसके मुताबिक मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखते रहें। अगर आप लोग ये स्केल परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे से फोन करके अच्छी कीमत में ये स्केल परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फुट बाई फुट का इसमें प्लेटफॉर्म है और एक्यूरेसी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है। इसके ऊपर जो है अभी मैं ये डेड वेट में अभी इसके ऊपर रखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 200 ग्राम का मैंने इसके ऊपर डेड वेट रखा है और ये 200 ग्राम हमें एक्यूरेट पूरा बता रहा है। उसके अलावा मैं ये 500 ग्राम का भी इसके ऊपर रखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि 700 ग्राम ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। उसके अलावा अगर मैं छोटे डेड वेट इसके ऊपर रखता हूँ, ये दोनों मैं इसके ऊपर हटा लेता हूँ, और ये मैं 10 ग्राम का इसके ऊपर रखता हूँ मैं डेड वेट, तो आप ये देख सकते हैं कि 10 ग्राम भी हमें ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। ये आप देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं हटाता हूँ तो ये 0 भी कर रहा है, और दोबारा मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये 10 ग्राम हमें पूरा एक्यूरेट बता रहा है। तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है वो भी मैं अभी बताता हूँ। इसके अंदर पीक होल्ड का भी फंक्शन है, उसके अलावा इसमें सेट पॉइंट का भी फंक्शन है। सबसे पहले मैं सेट पॉइंट की इसकी बात करता हूँ कि अगर मैं सेट पॉइंट के ऊपर हाई और लो लिमिट के ऊपर इसको सेट कर दूंगा तो ये भीप देगा। या अगर इसके अंदर भीप की भी मुख्तलिफ ऑप्शन है कि अगर हाई और लो लिमिट के अंदर भीप दे, हाई और लो हाई लिमिट से पहले, हाई लिमिट के बाद और लो लिमिट से पहले भीप दे, ये सारे इसमें ऑप्शन हैं। तो अभी जो है इसके ऊपर कोई भीप सेट नहीं है, तो मैं आपको सबसे पहले भीप सेट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन के बटन को प्रेस करके रखेंगे, यूजर आ जाएगा, हमने फंक्शन के बटन को 5 दफा प्रेस करेंगे, 5 दफा पेंट करेंगे तो सेट पॉइंट लिखा हुआ आ जाएगा। अभी ये 9 भीप के ऊपर ये सेट हुआ हुआ है, तो हमने अप एरो की मदद से यहाँ पे ये लो के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये OH के ऊपर सेट कर देंगे, OH के ऊपर अगर हम सेट करेंगे तो OH की ये है कि इन बिटवीन लो एंड हाई थ्रू हाउल्ड, ये जो है OH जो है इसके हाई और लो लिमिट के दरमियान में ये बीप देगा। उसके अलावा अगर हम टेयर की मदद से HI के ऊपर सेट कर देंगे तो ये ग्रेटर देन हाई जब होगा वेट, यानी जो भी यहाँ पे हमने 3 kg के ऊपर रखा होगा हाई लिमिट, तो ये 3 kg से बढ़ेगी तो फिर उसके ऊपर ये भीप देगा। उसके अलावा यहाँ पर ये LOHI है, लो हाई, ये जो है लेस देन लो और ग्रेटर देन हाई, अगर इसके ऊपर हम सेट कर देंगे तो लो लिमिट से कम उसके ऊपर वजन आएगा तो फिर क्या कहते हैं ये वेट, ये क्या कहते हैं हमें भीप देगा, और ग्रेटर देन यानी हाई लिमिट से जब बढ़ जाएगा वेट तो फिर इसके ऊपर भीप आएगी। उसके अलावा इसमें ये डिसेबल की ऑप्शन है, नो भीप की ऑप्शन है, और अभी जो है ये मैं सेट कर देता हूँ लो और हाई, लो हाई हमने सेट कर दी है, अब लो लिमिट से कम और हाई लिमिट से ज्यादा होगी तो फिर ये भीप देगा। इसको मैं फंक्शन मदद से एंटर कर देता हूँ। हाई लिमिट जो है ये इसकी 3 मैंने सेट की हुई है, लो लिमिट जो है इसकी 1 kg सेट की हुई है, तो यहाँ से मैं एंटर की मदद से बाहर आ जाऊंगा। आप ये देख सकते हैं कि लो लिमिट से नीचे ये भीप दे रहा है, जैसे कि 1 kg से ये प्लस होगा तो ये भीप
खत्म हो जाएगी। ये 1 kg से बड़ा तो भीप खत्म हो गई, अब 3 kg से फिर बढ़ेगा तो भीप दोबारा शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि भीप दोबारा शुरू हो गई है। अब ये दोबारा 3 kg से कम होगा, भीप खत्म हो जाएगी, अब 1 kg से कम होगा तो दोबारा भीप शुरू हो जाएगी। ये मैंने 1 kg पे कम हुआ तो दोबारा भीप शुरू हो गई है। अब मैं इसके फंक्शन चेंज कर देता हूँ। ये दबाया मैंने यहाँ से डिसेबल, नो भीप, लो, लो जो है हाई है, लो 1 आ गया। मैं दोबारा एंटर कर दिया, ये से मैं हाई सेट कर दिया मैंने। अब ये देखेंगे हाई से जब ऊपर की वैल्यू जाएगी तो ये हमें जब भीप देगा। ये मैंने हाई वैल्यू इसकी 3 kg है, जैसे ही 3 kg से ऊपर ये जाती है ये भीप देना शुरू हो जाता है। अब मैं जीरो हो जाएगा तो अब ये भीप नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही वैल्यू 3 kg से ऊपर जाएगी तो ये भीप देगा। और उसके अलावा इसमें मैं आपको दिखाता जाऊं कि ये तो हाई लो लिमिट की सेटिंग थी, उसके अलावा ये ड्रैग जो है कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और ये कंप्यूटर के अंदर जो है कनेक्ट होने के लिए ये सिंपल इसकी RS-232 जो है उसको हमने डेटा बिट पैरिटी ये जो है हमने सेट करनी होती है। और सबसे पहले मैं आपको यूजर का जो भी फंक्शन है इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है ये सारों की मैं डिटेल बताता हूँ। ये हमने फंक्शन के बटन को प्रेस करके रखेंगे, यूजर मोड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी हम दोबारा ये एंटर करेंगे, ये ऑटो, ये जो ऑफ की है ये हमने अभी ऑफ की हुई है, ऑटो ऑफ टाइम है इसका, यानी खुद ब खुद जो है ऑफ टाइम जो है ये शुरू हो जाए। ये अभी मैंने इसको ऑन ही रखा हुआ है, इसको आप खुद ब खुद टाइम वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है FLP, ये स्लीप मोड है, कितने टाइम के बाद ये स्लीप मोड में चला जाए, अभी हमने 30 सेकंड रखा हुआ है। उसके बाद मैं दोबारा एंटर करता हूँ, ये LU है, ये डिस्प्ले लुमिनेंस है, ये आमतौर पर आप लोगों के इस्तेमाल में नहीं आता। उसके बाद ये F आ जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर ये काफी सारे फंक्शन है कि फिल्ट्रेशन है, कोड है, प्रिंट फंक्शन है, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा ये SP है, सेट पॉइंट है, यहाँ पर जो है लो लिमिट, हाई लिमिट और ये सारा कुछ आप ये सेट कर सकते हैं, सेट पॉइंट। इसके अलावा ये हाई लिमिट है, हाई लिमिट हमने 3 kg पे रखे, लो लिमिट 1 kg पे रखा हुआ है। OT जो है ये काउंटिंग, OT जो है ये है सीरियल आउटपुट, ये सीरियल आउटपुट अभी हमने कंटिन्यू पे रखी हुई है, ये हमने अगर चेंज करनी है यहाँ पर अप एरो की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। ये REQ है, REQ का मतलब है आउटपुट अपॉन रिक्वेस्ट, जब हमने प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे उस टाइम जो है हमारे कंप्यूटर पे डाटा जाएगा या कोई भी प्रिंट के ऊपर डाटा जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं तो ये हमें कोई भी सीरियल के आउटपुट नहीं देगा। उसके अलावा अगर हम कॉन्टिन्यूसली पे रखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली डाटा जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर भेजता रहेगा। तो अभी हम कॉन्टिन्यूसली पे इसको कर देते हैं, उसके बाद हम दोबारा इनपुट फंक्शन के बटन को प्रेस करेंगे, ये इसकी बट रेट आ जाएंगे। बट रेट ये 9600 पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2400 के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये 1200 है, 2400 है, 4800 है, 9600 है। तो यहाँ पे अभी मैं 9600 सेट कर देता हूँ ताकि अभी मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर भी वजन ला के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं दोबारा एंटर हो जाता हूँ, ये जो है DA है, आउटपुट डाटा। आउटपुट डाटा जो है हमने नेट वेट पे चाहिए, नेट वेट पे यानी स्टेबल हो तो फिर नेट वेट के ऊपर चाहिए, उसके अलावा ग्रोथ वेट पे चाहिए या टीयर वेट पे चाहिए। अभी मैंने नेट वेट इसके ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा मैं दोबारा एंटर के बटन को प्रेस करूंगा, ये इसका यूजर के जितने भी फंक्शन थे उन सब की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी। अभी मैं इसके ऊपर डेड वेट रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं 500 ग्राम हमें पूरा बता रहा है। उसके अलावा इसके ऊपर मैं अब ये कंप्यूटर की केबल लगाता हूँ, जैसे ही मैं आप कंप्यूटर की केबल लगाऊंगा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं वजन चेंज भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वजन चेंज भी कर रहा हूँ तो ये भीप भी दे रहा है और साथ में यहाँ पे वजन भी दिखा रहा है। तो अभी जो है मैं आपको थोड़ा नजदीक करके दिखाता हूँ। ये फ्रेंड अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 kg, 4 kg, 5 kg है, तो यहाँ पे भी जो है कॉन्टिन्यूसली डाटा चेंज हो रहा है, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, और यहाँ पे जो है मैंने अभी 80
82 ग्राम, 83 ग्राम, तो यहाँ पर भी 54, 56, ये जैसे जैसे वहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है यहाँ पे भी डाटा ये चेंज हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये फूड बाय फूड का प्लेटफॉर्म है और इसमें हाई लो लिमिट की सेटिंग है, होल्ड की होल्ड आप कर सकते हैं, होल्ड की ऑप्शन है, पीक होल्ड की ऑप्शन है, पीसीस की ऑप्शन है, पाउंड वगैरह में तब्दील वगैरह कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। उसके अलावा मैं इसकी आपको कनेक्शन मैं बता दूं, कनेक्शन जो है इसके ये जो है ये इसकी सीरियल की सीरियल के कनेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये सीरियल के जो हैं 3 और 4 नंबर पिन जो है, और 3 नंबर पिन TX की है और 5 नंबर पिन जो है इसकी ग्राउंड की है। उसके अलावा ये जो है इसमें 1 और 5 जो है वो एक्सिटेशन की है और 6 और 9 नंबर पिन जो है ये 6 नंबर पिन होगी और ये दूसरी तरफ ये 9 नंबर पिन लगी हुई है, ये 9 नंबर पिन पे लगा हुआ है, ये इसके सिग्नल की हैं। तो ये जो थी ये एक्सिस का इंडिकेटर है, आप ये देख सकते हैं। और इसमें और बहुत सारे फंक्शन हैं, ऑन ऑफ का बटन जो है ये साइड में लगा हुआ है, यहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ से भी आप सामने से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस स्केल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या अगर आप लोग ये स्केल परचेज करना चाहते हैं तो आप ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे से फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस स्केल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।